नमस्कार दोस्तों, मिशन डेवलप इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं अपने युवाओं के लिए खासकर एक ऐसा ही विषय पे चर्चा करने वाला हूँ जिससे आज हमारे लाखों करोड़ों युवा लोग इस कुचक्कर में फंसकर इकोनॉमिकली मेंटली परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, आज का विषय है कि जो हमारे देश में बहुत सारे जो मार्केटिंग के नाम पे हमारे युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, उन्हें जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जो लड़का कुछ बिजनेस में लगे हुए हैं, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर उसे बेरोजगार करने की यह एक व्यवसाय बन गया है। मैं बात कर रहा हूं गलेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। मैंने एक हमारा दोस्त जो इसका भुक्तभोगी है उनसे हमारी बात हुई। मैं उन्हीं के बात और एक दो वीडियो और आप लोगों के सामने रखूंगा। ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक फ्रॉड कंपनी है जो हमारे युवाओं को 18,000 रुपये लेके ऊंचे ऊंचे सपनों दिखाता है। उसमें मैंने सुना कि इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, ग्रेजुएट बेरोजगार लड़के हैं, ऐसे ऐसे लड़कों को निशाना बनाया जाता है और उन्हें फंसाने का कोशिश किया जाता है और उन्हें फंसाकर ट्रेनिंग के नाम पे कुछ झूठ सच बोलने का, लोगों को बरगलाने का, लोगों के साथ धोखा करने के लिए सिखाया जाता है और उनके बदले में उन्हें हर ज्वाइनिंग पे 1400 रुपये, 1200 रुपये इस तरह से कुछ रकम मिलते हैं। आप अनुमान लगाइए कि अगर 1200 रुपये अगर हमें मिले ही, 18,000 रुपये अगर पूंजी लगाने के बाद 12,000 रुपये मिले तो कितनी की मुनाफा हुआ। इस तरह से जो हमारे देश में बहुत सारे फ्रॉड कंपनियां हैं, मैं हमारे एरिया के कुछ लोग भी भुक्तभोगी है। कलकत्ता वेयर प्राइवेट लिमिटेड जो एक रियल एस्टेट मार्केटिंग का काम करती थी, अभी भी बहुत सारे लोग भुक्तभोगी है। तो मैं दोस्तों से आग्रह करना चाहता हूँ कि प्लीज कहीं पे भी कोई भी आवे, अगर आपको नौकरी के नाम पे बुलाएं तो पहले पैसा देने से पहले आप अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर लें, उसके बारे में डिटेल जुटाएं, इसके बाद ही कुछ कदम उठाएं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से लोगों को, युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है, लूटने का काम किया जा रहा है। आज हमारे देश के युवाओं के साथ जो कंपनियां हैं सिर्फ और सिर्फ लूटने का, खसोटने का धंधा बना के रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। शिवनाथ कुमार यादव, और आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा ये ग्लेज कंपनी वाला है जो 20,000 रुपये 100 रुपये ठग के बोल रहा था, ऐसे काम 4-5 बार का मंगाओ तब तेरा पैसा मिलेगा। मैं बोल रहा ये काम नहीं करूंगा, मुझे पैसा चाहिए, मैं घर जाऊंगा। अच्छा, तो आपको क्या बोलते हैं, इस कंपनी के बारे में कहाँ से मालूम चलो? मेरा फोन, मेरा गांव का लड़का एक रहता था प्रमोद, वही बोला से ऑफिशियल काम है, आओ 12,000 महीना मिलेगा, हम आप 20,000 100 रुपये लगेगा। तो आपने वहां से घर से पैसे कैसे लाए? आपके कमाते थे? पापा से मांगा
बोला पापा बोला कानत पापा बोला जाओ कर लीजिए 20,000-21,000 कर्जा उठा दिया है पापा। पापा ने आपके कर्जा उठा के आपको 20,000 रुपया दिया और आपने उस 20,000 रुपया को लेके यहाँ पे आया। लेके आया यहाँ भाई, दे दिया इसको। किसको दिया? बिमलेश कुमार। बिमलेश कुमार, अच्छा बिमलेश कुमार को आपने 20,000 रुपए दिए, उसके बदले में बिमलेश कुमार ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिए, बोला ट्रेनिंग कीजिए तब तब क्वालिफाई होंगे। आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं दिया? नहीं कोई प्रोडक्ट, कोई बैग वगैरह कुछ नहीं दिया? नहीं, सिर्फ खाना दे रहा है, बस रूम रह रहे हैं। अच्छा खाना दे रहा, खाने में, खाना में क्या क्या देता है आप लोगों को? रोटी सब्जी। और एक रूम में कितने जन रहते हो? एक रूम में सर दो रहते हैं। दो जन रहते हैं, अच्छा। तो मतलब कि आपके पैसे उन्होंने रख लिए और आपको ट्रेनिंग के लिए बोला कि आप ट्रेनिंग करो। आप ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग में साइकोलॉजी का ज्ञान देता है। साइकोलॉजी का ज्ञान देता है, अच्छा। तो अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस काम से? नहीं, हमें इसे काम नहीं करना है, ये इस काम में सेटिस्फाइड में नहीं हूँ। तो आपने आपने आपको मतलब आपका पैसा भी मांगे हो आप? पैसा मांगे। तो क्या बोल रहे हैं? बोला है 15-20 दिन ट्रेनिंग दीजिए तब आपको पैसा मिलेगा, वो जो मैं सिखाऊंगा उसका सही से जो सीखेगा सही से आंसर जो मुझे मिलना चाहिए उसका हल फॉलो होना चाहिए। अच्छा तो आपने इसके बारे में मतलब और कहीं चर्चित नहीं किया कि थाना में नहीं जाने की कोशिश की? हम बिहार रहने वाले यहाँ नहीं जानते कहाँ थाना है क्या नहीं है। अच्छा, उसे तो रूम से बाहर निकलने नहीं देता, कहाँ जाऊँ? रूम से बाहर नहीं निकलने देता? नहीं निकलने देता है बाहर। क्यों? बोलता है नहीं असकर नहीं जाओ, जो मेरा उसका स्टाफ रहता है उसके संगे जाओ, कोई किसी से बात नहीं करने देता है। मारता भी है? हाँ मारता भी है। बोलता है ऐसे ऐसे बोलोगे तो बाहर फेंक दूंगा। अच्छा। रात को निकाल दूंगा यहाँ से। अच्छा ठीक है। अंदर क्या पैसा कमाता? बोला ऑफिशियल काम है। क्या मतलब और लोगों को जोड़ने बोलता? हाँ बोलता है और लोगों को जोड़ता आपका पैसा अधिक मिलेगा। मतलब आपको बनाइए तो पैसा आपको मिलेगा, है ना? ठीक है ठीक है, ओके। बोला कि काम कराएंगे और ट्रेनिंग में 7,000-10,000 रुपया देंगे और यहाँ पे ला देंगे। बात कीजिए। हाँ हेलो, किसका बात कीजिए? आर के रंजन सर हैं आप? हम सर लाके हमको देखे कैसे किया जा रहा, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा और यहाँ पे लाके हमको इधर पैसा भी जमा ले दिया है। आप सर अब हम सुबह में गए थे ना ट्रेनिंग क्लास करने के लिए, ये लोग हमको ऐसे कर रही है, ये लोग हम लोग के साथ। हमको घर जाना है सर, पैसा मेरा वापस दिलवा दीजिए सर, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा नाम पूजा कुमारी सर, हारन कुमार राय है ना, मेरा घर के पास का ही लड़का था, वो ला के हमको और ऐसे करके हमको फंसा दिया यहाँ पे। बोला हम काम दिलवाएंगे सर, लड़का अच्छा था लेकिन पता नहीं कैसे कैसे यहाँ पे आ गया सर, हमको फंसा दिया। इस रूम का जगह का नाम क्या है? अरे ये मातृधाम के सामने, मातृधाम का सामने बोल दीजिए। मातृधाम के सामने मार। आरटी सर मेरा जीना चाह है यार, वो अमरजीत राय जो है ना उन्हें पैसे दिए थे। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं मिथिलेश और आप देख रहे हैं मिशन डेवलप इंडिया। मिशन डेवलप इंडिया में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह सपना हमारी और हमारे पूर्व राष्ट्रपति पूजनीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था कि हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने और उन्होंने 2020 तक हमारे एक विकसित राष्ट्र का सपना देखे थे, जिसके लिए उन्होंने सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक और देश की सुरक्षा के लिए अतुलनीय सहयोग दिया, उन्हें हमारी सत सत नमन है। तो उनकी ही जन्म दिवस पे 15 अक्टूबर 2016 को मैंने इस चैनल का शुरुआत किया मिशन डेवलप इंडिया। यह मिशन हमारी और हम सभी देशवासियों का है कि हमारी शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक विकास हो और हमारे देश डेवलप बने। तो इसके लिए
मैंने इस सफर का शुरुआत किया और मैं अपने चैनल के माध्यम से सामाजिक, शैक्षणिक और आदर्श विषयों तथा ज्वलंत मुद्दाओं पे कुछ चर्चा करता हूँ जो हमारे देश की नौजवान साथियों एवं देश की जनताओं की हित में हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सहायता मिल सके। तो अगर हमारी इस अभियान में आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ मिलके हम अपने देश की जो हमारी यह पूर्व राष्ट्रपति पूजनीय डॉक्टर कलाम की जो सपना है और हम सभी की सपना है जिसे जरूर हासिल करेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो समस्या जनता की और समाधान सत्ता की। जय हिंद, जय भारत।